प्रसिद्ध कथा वाचिका जयकिशोरी की हरदा में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने सपरिवार विधि विधान के साथ कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन किया। 7 से 13 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने सपरिवार विधि विधान मंत्रोच्चार के बीच मां नर्मदा की पूजा करते हुए कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन किया। वहीं दूसरी ओर मंत्री पटेल ने अपने संदेश में कहा कि कथा 7 सितंबर से 13 दिसंबर 2022 तक चलेगी। कथावाचिका जया किशोरी भागवत कथा का पाठ करेंगी। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा कि धार्मिक आयोजन को ऐतिहासिक बनाना है। 13 दिसंबर को जिस दिन कथा का समापन है उसी दिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बड़ी संख्या में कन्याओं का विवाह धर्म संसद में किया जाएगा। आज का दिन हरदा के लिए हम सब के लिए खुशी का सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमने विश्व विख्यात कथावाचक माँ सरस्वती की पुत्री जय किशोरी जी की कथा स्थल का भूमि पूजन किया। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 12:15 बजे से 4 बजे तक हरदा में सरस्वती शिशु मंदिर के पास इंदौर रोड पर ये कथा होगी। उसके बाद हमने सभी गणेश जी, दुर्गा जी, कृष्ण भगवान और नर्मदा जी की पूजा अर्चना करके उनको निमंत्रण दिया और फिर उसके बाद हरदा नगर और जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हमने सबने मिलकर इस आयोजन में जो भव्य होगा उसकी सारी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी वितरित बांटी गई और सब मिलकर एक संकल्प लिया है कि जय किशोर जी की मुखारविंद से जो कथा होगी, भागवत कथा, वो ऐतिहासिक होगी। हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, युवा बुजुर्ग आएंगे, उनकी हम सब व्यवस्था करेंगे और 13 दिसंबर को जब ये श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होगी उसी दिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह का भी आयोजन किया गया है जो ऐतिहासिक होगा, जिसमें सैकड़ों कन्याओं का हम विवाह करेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ इस धार्मिक और पुण्य कार्य में आप सब आमंत्रित हैं। हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचाएं कन्या विवाह करके और एक धार्मिक आयोजन करके पुण्य लाभ अर्जित करके अपने हृदय को आनंदित करें ताकि हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें और हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। इसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः आप सब इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।